मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की बेटमा नगर परिषद सीएमओ राजा यादव, सहायक राजस्व निरीक्षक राजेश पंचोलिया की उदासीनता के चलते सार्वजनिक शासकीय और अशासकीय स्थानों पर लगे अवैध रूप से होल्डिंग बैनर नहीं हटाए गए। सीएम कमलनाथ, मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे, आयुक्त पी नरहरि, उप सचिव मनीष सिंह के लिखित आदेश के बाद भी सार्वजनिक शासकीय और अशासकीय स्थानों पर लगे अवैध रूप से होल्डिंग बैनर नहीं हटाए गए हैं। हालांकि बेटमा नगर परिषद भाजपा की होने के कारण कांग्रेस एमएलए विशाल पटेल का दखल भी यहां पर मजबूत है। इसका भी भय सीएमओ राजा यादव व सहायक राजस्व निरीक्षक राजेश पंचोलिया को भी नहीं है कि एमएलए विशाल पटेल खुद सीएम कमलनाथ से सीधे जुड़े हुए हैं। सीएम कमलनाथ ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती से इसका आदेश करवाया है, बावजूद भी नगर परिषद बेटमा इस पर अमल क्यों नहीं कर रही है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देपालपुर से विशाल चंद्रा की रिपोर्ट। अवैध होर्डिंग एक तरह से पूरी सरकार में, जो हमारी कांग्रेस की सरकार ही, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध होर्डिंग पूरे प्रदेश में लगने नहीं देंगे और ये विरोध होना चाहिए इसका। जगह जगह अवैध होर्डिंग लगे हैं इसका, हमारे बेटमा के अंदर भी, बेटमा की भाजपा नगर परिषद के अवैध होर्डिंग जो लगे हैं सारे, उसके भी मेरे को मामला आपने बताया, अभी संज्ञान में लेता हूं मैं, माननीय विधायक जी को संज्ञान दिलाता हूं मैं और बेटमा के सीएमओ से इस बारे में चर्चा करता हूं कि इतने अवैध होर्डिंग है ये हटाना चाहिए और बेटमा ही नहीं पूरे प्रदेश से हटाना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का निर्देश है ये अवैध होर्डिंग होना ही नहीं चाहिए। सचिन सोनी, देपालपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।